जानते हैं कि संवाद एक ऐसी विधा है जिसमें कि हम आपस में बातचीत करके एक दूसरे के विचारों को जान सकते हैं, विचारों का आपस में आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? तो एक एक करके अब मैं आपको बुलाने वाली हूँ। सबसे पहला जिसका भी संवाद है वो उसको प्रस्तुत करे, मिहिर और अंशुल। मनोज नामक चोर एक आलिशान बंगले में कीमती वस्तुओं पे हाथ साफ करता पकड़ा गया, उसे जेल लाया गया। इंस्पेक्टर और मनोज के बीच संवाद कुछ ऐसा हुआ। मनोज, तुम यह सारी चोरियां कितने वर्षों से कर रहे हो? कमिश्नर साहब, मैं ऐसी चोरियां पिछले 2 सालों से करते आ रहा हूँ। पर मनोज, तुम यह कार्य 2 सालों से कर रहे हो और मुझे तुम्हारी चोरियों की भनक आज तक नहीं लगी। वो साहब इसलिए क्योंकि पहले मैं यह चोरियां अपना पेट भरने के लिए करता था और वह छोटे मकानों में करता था। तो अब बड़े शहरों और मकानों में चोरियां करने के पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य है? कमिश्नर साहब, पहले मैं अकेला था, परंतु आज मेरा एक परिवार है और मेरा एक छोटा बच्चा है जो एक जानलेवा रोग के चपेट में है। मुझे उसके इलाज के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करने हैं और यह रकम मैं सिर्फ चोरी करके ही कमा सकता हूँ। तुम्हें पैसे कमाने का एकमात्र साधन चोरी ही क्यों लगता है? अगर तुम पूरी लगन से कोई काम करो तो दुनिया में ऐसे कितने ही कार्य हैं जिसमें तुम सफल हो सकते हो। क्या साहब, ऐसा क्या कह रहे हो? क्या आपको नहीं लगता कि मैंने कभी काम करने का सोचा नहीं? मैंने बहुत बार प्रयास किया परंतु कभी भी मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई। कई बार तो ऐसा हुआ कि मुझे नौकरी के पहले दिन ही धक्के मार के निकाल दिया गया। देखो, जो तुमने किया है वो कानून की नजरों में गलत तो है, इसीलिए तुम्हें 2 महीने की जेल तो होगी। पर साहब, मेरे बच्चे का क्या होगा? जिस दौरान तुम जेल में रहोगे, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा। पर इसके बदले में तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि जैसे ही तुम जेल से बाहर निकलोगे, तुम अपने लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढोगे, उसमें सफलता हासिल करोगे और अपना परिवार संभालोगे। धन्यवाद साहब, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे ही मैं जेल से बाहर निकलूंगा, वैसे ही अच्छी नौकरी ढूंढकर अपना परिवार संभालूंगा। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि जेल में तुम्हारा समय जल्द से जल्द कटे। धन्यवाद। विषय है दो औरतों के बीच में अपने मन पसंद धारावाहिक को लेके संवाद। अरे तुम यहाँ? हाँ, कुछ सामान ले आई थी। तुम बड़े दुखी प्रतीत हो रही हो, क्या बात है? हाँ, असल में मैंने आज 17वें विजेंद्र देखा जिसमें दो औरतों पे होने वाले अत्याचारों के बारे में बताया गया था। मैं समझ सकती हूँ, मगर उसमें दुखी होने वाली क्या बात है? उसमें दुखी होने वाली बात कुछ नहीं है, परंतु उसे देख मुझे एक औरत की याद आ गई जो कि बहुत दुखी रहती थी। उसके हाथ पे मैंने एक दिन बहुत बड़ा निशान देखा और वह मेरे पड़ोस में काम करती थी और वह बहुत दुखी रहती थी। मैं समझ सकती हूँ, मेरे पड़ोसी के पास भी एक महिला थी जो बहुत दुखी रहती थी। उसका पति भी उसे बहुत मारता था, मगर मैं चुप नहीं रही। मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। आज देखो, उसका पति कितना अपनी जिम्मेदारी को कितना समझता है और अब देखो कितना खुश, उसके परिवार कितने खुश रहते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे ऐसा भी करना चाहिए। मैं उसके पति के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाऊंगी और उसके पति को जेल में डलवाऊंगी, जिससे वह उस औरत को सही मायने में उसका अधिकार मिलेगा। और जब वह जेल से बाहर आएगा, मैं आशा करती हूँ वह सुधर चुका होगा और उसकी पत्नी का ध्यान रखेगा। चलो, मैं तो चलती हूँ, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। धन्यवाद। और मेरा नाम रिया। पार्क में बैठे दो महिलाओं के बीच में बढ़ते हुए फैशन को लेकर चर्चा। अरे शीला, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, आज मेरी पोती मुझसे बोलती कि दादी आप मुझे बताइए कि मैं अपनी पार्टी में कौन से कपड़े पहनती जाऊँ। मैंने सोचा क्यों ना मैं उसकी मदद कर दूँ। तो जब मैंने उसकी अलमारी खोली, मैंने देखा उसके अलमारी में रंग बिरंगे हर प्रकार के कपड़े थे। अरे आजकल के बच्चे सोचते भी नहीं है कि वे क्या पहन रहे हैं, उन्हें जो भी पहले दिख जाते हैं उसी को उठाकर पहन लेते हैं। और ये बच्चे तो इतने छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं कि मानो इनके कपड़ों की लंबाई और चौड़ाई इनके लिए कम पड़ गई हो। और मेकअप करना तो कोई इनसे सीखे, बाप रे बाप। अरे मेकअप तो रात भर ही पहन लेते हैं। और पता,
ये लोग ऐसे मेकअप पहन लेते हैं जैसे उन्हें रात को भी सोते समय कोई देखने वाला हो। सही कह रही हो, और इन्हें साड़ी और सूट तो पहनना ही नहीं आता है। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी ऐसे ही हैं। मैं किस्सा बताती हूँ। मैं रास्ते पर सब्जी लेकर चल रही थी और मैंने देखा कि मेरे सामने कोई लड़का, एक लंबे बालों वाली कोई लड़की जा रही है। मैंने उसे पुकारा, मुझे लगा पड़ोसी की लड़की होगी। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि वो तो लंबे बालों वाला लड़का है। मैं उसे देखकर इतना चौंक गई। अरे लड़कियों को तो साड़ी पहनना आता ही नहीं है, उल्टा वो साड़ी को देखकर छी बोलने लगते हैं। मैं तुम्हें एक और किस्सा बताती हूँ। मेरी पोती को एक दिन कॉलेज में पार्टी के लिए जाना, उसको अपने किसी फंक्शन के लिए जाना था, तो मैंने सोचा कि उसको साड़ी पहननी आती नहीं है तो मैं उसके कमरे में जाके क्यों ना देख लूँ। मैं उसके कमरे में गई और मैंने देखा कि वो साड़ी को चद्दर की तरह अपनी ओर लपेट रही है। मैं उसे देखकर इतना चौंक गई। मैंने सोचा बाप रे बाप, इन बच्चों को तो साड़ी तक पहनना नहीं आता है। पता है हम लोग को अभी उन लोग के लिए साड़ी पहनने की कक्षा रखनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो, हमारी युवा पीढ़ी दिन प्रतिदिन भूलती जा रही है कि हमारी भारतीय संस्कृति का क्या महत्व है। वह पश्चिमी संस्कृति से ज्यादा प्रभावित हो रही है और अपनी भारतीय संस्कृति को पीछे छोड़ रही है। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर हमारे पोता पोती हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। नमस्ते डॉक्टर जी। अरे आइए आइए, आप कुछ दिन पहले यहाँ आए थे? हाँ डॉक्टर जी, मैं यहाँ कुछ दिन पहले आया था और अपने दवाई भी दी थी पर उसका कुछ असर नहीं हुआ। अरे ऐसी बातें कर रहे हो, क्या दवाई खा ली थी? नहीं डॉक्टर जी, दवाई तो भरी थी। अरे नहीं, आप समझे नहीं, क्या दवाई पी ली थी? नहीं डॉक्टर जी, शायद से दवाई लाल थी। अभी तक आप नहीं समझे, क्या दवाई को पी लिया था? अरे डॉक्टर जी, पी लिया तो मुझे था। खैर रहने दीजिए, आप एक काम कीजिए, आप अपने घर जाइए और जो दवाई की बोतल थी उसमें जो दवाई है वह पी लीजिए। अभी समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? ओ आप वो दिन यह कह रहे थे, मुझे तो कुछ और ही लगा था। तुम तो किसी सोच में डूबे दिखाई दे रहे हो। हाँ वो तो है, क्या तुमने देखा नहीं कल मेरे कैसे पत्ते लिए जा रहे थे? और सिर्फ पत्ते नहीं, फूल और फल भी, और इससे उनका दिल नहीं भरा और उन्होंने मेरी छाल भी उतार दी। वो भरा क्यों, ऐसे कोई करता है क्या? अब तुम तो जानते ही हो मेरे कितने औषधीय गुण हैं। मेरे पत्ते फल फूल सबके अपने अपने गुण हैं। त्वचा रोगों से लेकर जोड़ों के दर्द और मलेरिया का भी इलाज किया जाता है। मुझे दुख इस बात का नहीं कि वह मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु दुख इस बात का है कि वह मेरी बेरहमी से कटाई कर रहे हैं। हाँ वो तो है, अब मुझे ही देख लो जरा, मेरे भी कई औषधि गुण हैं, जैसे सर्दी खांसी बुखार कफ से लेकर पेट के कीड़ों को दूर करने तक और कोलेस्ट्रॉल घटाने तक मेरा उपयोग होता है। लोग मेरे पत्ते तो तोड़ते हैं लेकिन मुझे आंगन में लगा कर रखते हैं और शाम को मेरी पूजा भी करते हैं। तुम ठीक कहती हो बहना, मैं भी यह चाहता हूँ कि वह भी मुझे अपने आंगन में लगा कर रखे और छाया के साथ साथ ठंडी हवा का भी मजा उठाए। हाँ ये तुमने ठीक कहा, क्योंकि तुम्हारे भी कोई कुछ कम औषधि गुण नहीं है, लोगों को तुम्हें भी आधार देना चाहिए। अच्छा चलता हूँ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्ते, आज मैं सोनिया और मैं राज आपके सामने एक अध्यापिका और एक गृह कार्य न करने वाले छात्र के बीच में एक संवाद प्रस्तुत करने वाले है, और यह संवाद कुछ इस प्रकार होगा। नमस्ते बच्चों, क्या आप सब गृह कार्य करके लाए? नमस्ते अध्यापिका जी, परंतु मैंने अपना गृह कार्य नहीं किया है। ऐसा क्या हुआ कि आपने फिर से गृह कार्य नहीं किया? दरअसल मैंने अपना गृह कार्य किया है परंतु मैंने अपनी पुस्तक घर पे ही छोड़ दी है। अच्छा ऐसी बात है, तो तुरंत नीचे जाओ और ऑफिस में जाकर अपनी माँ को फोन करके बता दो कि वह तुम्हारी किताब स्कूल भेज दे। नहीं नहीं मैम, मुझे माफ कर दो, दरअसल मैंने आपसे झूठ कहा, पर दरअसल मैंने अपना गृह कार्य सचमुच में नहीं किया है। तुमने तो ठान ही लिया है, आज करे सो कल करे सो परसों।
मैम मुझे माफ कर दो, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। पर क्या तुम्हें पता है कि देर से स्कूल कार्य देने पर तुम्हारे मार्क्स कटेंगे? हाँ मुझे पता है, पर कुछ ऐसी आफत आ पड़ी थी कि मैंने अपना गृह कार्य नहीं किया है। अच्छा ठीक है, इस बार चलेगा, पर कल मुझे तुम्हारी किताब सुबह अगले अपने डेस्क पर चाहिए। हाँ ये मेरा आपसे वादा रहा, मैं आपको अपना गृह कार्य कल ही लौटा दूंगा।